नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस YouTube सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि ये सेशन जो होने वाला है वो जुरिस्प्रूडेंस पर होने वाला है, और इस जुरिस्प्रूडेंस के सेशन के अंतर्गत हम लोग जुरिस्प्रूडेंस के बहुत सारे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं MCQ में। और एक सेकेंड, और ये सेशन मैंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं जानता हूं कि जुरिस्प्रूडेंस से संबंधित मटेरियल आपको नहीं मिल पाते, जुरिस्प्रूडेंस आपको बोरिंग लगता है, जुरिस्प्रूडेंस में आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। इसलिए मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रखने हैं, और इस वीडियो को आप एक बार नहीं, अगर आपने जुरिस्प्रूडेंस बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को एक बार मत पढ़िएगा। आप पहली बार तो आराम आराम से पढ़िएगा, फिर जब अगली बार इसको देखिएगा तो स्पीड 1.5 पर, दूसरी बार जब देखिएगा तो 2.0 पर, मतलब स्पीड दुगनी करके आप देख सकते हैं। तो कम से कम इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए जितना हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं तो आपका काफी हद तक पेपर में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा। तो एक ही वीडियो में मैक्सिमम चीजों को मैंने समाहित किया हुआ है और यहां वहां से क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं। आप सभी को संगीता, मोनिका, अजय, अंकिता और जो लोग भी हैं, एके, मरियम, सबको गुड इवनिंग है। अरे हाँ, गुड आफ्टरनून है, इवनिंग तो नहीं है अभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना देर किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ये जुरिस्प्रूडेंस का सेशन है। चलिए आज का पहला प्रश्न ले लीजिए आप। आज का पहला प्रश्न ये है, कि जब समता भंग की गई हो तब उसका पुनर्स्थापन करने में न्याय का वर्णन अरस्तु ने किस प्रकार किया था? ऑप्शन ए वितरणात्मक न्याय, ऑप्शन बी सुधारात्मक न्याय, ऑप्शन सी सार्विक न्याय, या ऑप्शन डी नैसर्गिक न्याय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुधारक न्याय। मैं आपको बस आप आंसर देते रहिए क्योंकि ये लंबा सेशन होने वाला है और मैं उतना वेट नहीं करूंगा जितना आपके आंसर का, इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने हैं और तब तक करने हैं जब तक कि आप थक नहीं जाते। तो इसलिए आप एकदम रेडी रहिए, आंसर देते रहिए, मैं आपके आंसर देख रहा हूं। किसने कहा है कि लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा है? ऑप्शन ए लॉर्ड एटकिन, ऑप्शन बी न्यायाधीश राइट, ऑप्शन सी न्यायाधीश डेनी और ऑप्शन डी न्यायाधीश बोरो। ये कौन से न्यायाधीश ने कहा है लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर डी न्यायाधीश बोरो ने। ठीक है, दाक्षी, क्या नाम है बेटा? हाँ दाक्षी, गुड गर्ल। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये है आपका अगला प्रश्न कि रोमन विधि से राज्य उत्तराधिकार के नियम को प्रथम बार किसके द्वारा समाविष्ट किया गया था? रोमन विधि से राज्य उत्तराधिकार के नियम को प्रथम बार किसके द्वारा समाविष्ट किया गया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बेंथम द्वारा, बी केल्सन द्वारा, ओपन हेगम द्वारा, डी ग्रोसियस के द्वारा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ग्रोसियस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये तो बता देंगे बहुत इजी है, ये प्रश्न बहुत इजी है। प्रख्यात निबंध डिटरमाइनिंग रेशियो डिसेंडेंडाई ऑफ ए केस के लेखक कौन? ऑप्शन ए विनफील्ड, बी गुडहार्ट, सी ओपेनहाइम कि डी जूलियस स्टोन। इसका बताइए, तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है हमको लगता है। ऑप्शन नंबर बी गुडहार्ट, डिटरमाइनिंग रेशियो डिसेंडेंडाई ऑफ ए केस, ये गुडहार्ट की रचना है। मैं आपके कमेंट को लगातार देख रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कम से कम समय में अटेंड कर पाए, इसलिए मैं आपके आंसर का वेट नहीं कर रहा हूं आंसर बताने में। चलिए अगला प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय विधि का विकास राज्यों की रीतियों द्वारा भी होता है जिसे कहा जाता है ए अंतरराष्ट्रीय विधि,
बी अंतर्राष्ट्रीय सौजन, सी अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ी और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय रूढ़िविधि। ठीक है, हाँ अंतर्राष्ट्रीय रूढ़िविधि, बहुत बढ़िया। बाल मुकुंद प्रणाम, अगला प्रश्न ले लीजिए। अगला प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्रीय विचारधारा का समर्थक है? ऑप्शन ए बेंथम, बी पाउंड, सी एरिंग, डी ड्यूगेट। समर्थक नहीं है, ठीक है ना, इसमें से ऑप्शन चुनना है आपको। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बेंथम, नहीं है। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री विचारधारा का समाजशास्त्री नहीं, विधि शास्त्री नहीं है? ऑप्शन है मेरे ऑस्टिन, बी एरिंग, सी ड्यूगेट और डी पाउंड। समाजशास्त्री विचारधारा, बिल्कुल आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन नहीं। ठीक है, और यह है आपका अगला प्रश्न कि कौन सी विचारधारा अध्ययन करती है कि उन शक्तियों का जो न्यायाधीशों को निर्णय लेने में प्रभावित करती है? विश्लेषणात्मक, समाजशास्त्री, यथार्थवादी कि ऐतिहासिक? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यथार्थवादी विचारधारा। देखिए मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर देता, एक्सप्लेन कर करके मैं आपको बताता, लेकिन अगर ये बात मेरे दिमाग में पहले आई होती जबकि परीक्षा इतनी नज़दीक नहीं थी। अब चूंकि परीक्षा ही आपकी इतनी नज़दीक है तो मैं आपका इतना ज़्यादा समय नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन को बना दिया और आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, इनको आप कर जाइए और कर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा पहुँचाएगा ये। नेक्स्ट है, और हाँ मैं सिर्फ इसी सब्जेक्ट का नहीं, मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का तो करा ही रहा हूँ, और भी सारे सब्जेक्ट के 500-700 प्रश्न, जो सेलेक्टेड 500-700 प्रश्न है जिसमें से प्रश्न 60% आपके एग्जामिनेशन में फंस जाए, ऐसे क्वेश्चन को मैं हर सब्जेक्ट का इस तरीके से वीडियो बना दूंगा और जल्दी जल्दी ही बना दूंगा, ताकि आप कभी भी कोई भी परीक्षा की प्री परीक्षा देने जाएं तो आप उसको एक बार देख लें और आपका बहुत सारा काम हो जाए, तो वो कर दूंगा। इसलिए आप जो है ना वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरीके की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। नेहा श्रीवास्तव, हैप्पी मकर संक्रांति। सूची एक और दो को सुमेलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के करते हुए देखिए सही बताइए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन बताइए, इसको देख लीजिए और मिलाइए। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि ड्यूगेट ने अपना सिद्धांत श्रम के विभाजन एवं सामाजिक संश्लेषण पर आधारित किया है, यह सिद्धांत कहा जाता है क्या? मूल मानक का सिद्धांत, कि सामाजिक समेकता का सिद्धांत, कि विधात्मकवाद का सिद्धांत, कि सामाजिक योजना का सिद्धांत, क्या कहलाता है? वेरी गुड आंसर आपके, बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आ रहे हैं प्रश्न, मेरा सामने आया और आपका सोशल सॉलिडरिटी का सिद्धांत है ड्यूगेट का। चलिए, और यह है आपका अगला प्रश्न कि सामाजिक कार्य का विचार व्यक्तिपरक अधिकार की संकल्पना को निरस्त कर देता है, यह कथन किसका है? केल्सन का, कि सामंड का, कि ड्यूगेट का, कि पाउंड का? सामाजिक कार्य का विचार व्यक्तिपरक अधिकार की संकल्पना को निरस्त कर देता है, यह है ऑप्शन नंबर सी यानी ड्यूगेट का। सिकंदर चौहान जी,
नेक्स्ट है कि सामाजिक कार्य का विचार व्यक्ति परक अधिकार की संकल्पना को निरस्त कर देता है, ये तो हो चुका है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधि शास्त्री ने इस पर जोर दिया है कि हम किसी वस्तु को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम यह न जान लें कि वह क्या करती है। तो क्वेश्चन क्लियर, ऑप्शन ए रास्को पाउंड, बी सामंड, सी ऑस्टिन और डी केल्सन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रास्को पाउंड, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक दंड का सिद्धांत नहीं है, निरोधात्मक सिद्धांत, सामाजिक हित का सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, इसमें से कौन सा दंड का सिद्धांत नहीं है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, तैयारी है आप लोगों की। मैं झूठे निराश हो रहा था कि आप लोगों को चीजें नहीं मिल पा रही, आप पढ़ रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि हितों के संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसने के द्वारा, रुडोल्फ एरिंग के द्वारा, बी रास्को पाउंड, सी रुडोल्फ स्टेमलर, डी ओलिवर वेंडेल होम्स। हितों के संतुलन का सिद्धांत दिया था रास्को पाउंड ने, वेरी गुड। नेक्स्ट, किसके सिद्धांत के अनुसार हित विधि की मुख्य विषय वस्तु है और विधि का कार्य मानवीय आवश्यकताओं इच्छाओं की संतुष्टि करना है। ऑप्शन ए इहरिंग, बी इहरलिच और सी रास्को पाउंड, डी ड्यूगेट। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रास्को पाउंड। नेक्स्ट, जो बच्चे ऐसा लग रहा है उनको थोड़ी थोड़ी देर पर, हो सकता है कभी कभी नेटवर्क की वजह से आगे पीछे हो जाता है व्यक्ति, है ना, तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन हमारे साथ नहीं कर पा रहे हैं, वो लाइव जो दिख रहा होगा आपको, जिस स्क्रीन पर टच करेंगे तो एक जगह लाइव रेड कलर का दिख रहा होगा, और जब आप उस लाइव को टच करेंगे तो आप मेरे साथ हो जाएंगे लाइव सेशन में, ठीक है प्रीति। किसके सिद्धांत के अनुसार हित विधि की मुख्य विषय वस्तु है और विधि का कार्य मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि करना है। ऑप्शन ए इहरिंग, बी इहरलिच, सी रास्को पाउंड और डी ड्यूगेट। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी रास्को पाउंड। विजय गौतम गुड आफ्टरनून, आइए बच्चा शामिल हो जाइए आप भी इस पतंग उड़ाने वाले फेस्टिवल में। समाजशास्त्रीय स्कूल कार्य की प्रतिक्रिया थी तथ्य के विरुद्ध, कल्पना के विरुद्ध, प्रमाणवाद के विरुद्ध कि यथार्थवाद के विरुद्ध। समाजशास्त्रीय स्कूल की प्रक्रिया किसके विरुद्ध थी? ऑप्शन नंबर सी प्रमाणवाद के विरुद्ध थी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डी ज्यूरे बेली एक पेसिस पुस्तक के लेखक कौन है? हॉब्स, बेंथम, ग्रोसियस, ग्रोसियस की ऑस्टिन। का सही ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रोसियस, डी ज्यूरे बेली एक पेशेस। शिवांगी भी आ गई हैं, चलिए शिवांगी बताइए, किस विधि शास्त्री को डार्विन के पूर्व डार्विनवादी और समाजशास्त्रियों के पूर्व समाजशास्त्री कहा जाता है? ऑप्शन ए केल्सन, बी सेवनी, डी पाउंड और सी पाउंड और डी ग्रे।
गुड आफ्टरनून भीम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी सेवनी, सेवनी, वेरी गुड। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन कौन कहलाता है, हेनरी मेन की ह्यूगो की बर्क की सेवनी। ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन, चित्रा जी भी आ गई, राधे राधे चित्रा। लंबा सेशन होने वाला है तो चाय पानी और जो तिलकुट वगैरह है ना खा के बैठिएगा एकदम आराम से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेवनी। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो वो भी कर लेते हो जो तुमने नहीं पढ़े। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि विधि कुछ और नहीं अपितु जनसाधारण की अंतः चेतना है। ऑप्शन ए सेवनी, बी पाउंड, सी सामंड की डी ऑस्टेन। सही ऑप्शन लोक चेतना का सिद्धांत, भाई साहब सेवनी ने दिया था। नेक्स्ट, सेवनी का सिद्धांत किस विधि पर आधारित है, ग्रीक विधि कि कॉमन विधि कि स्पेनिश विधि कि रोमन विधि। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोमन विधि। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को प्रस्थापित किया किसने। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी सेवनी, सी मॉन्टेस्क्यू और डी हेंस केल्सन। राष्ट्रीय चरित्र को स्थापित किया था ऑप्शन नंबर बी सेवनी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित विधि दार्शनिकों में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक स्कूल का प्रवर्तक माना जाता है, ऐतिहासिक स्कूल का प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए सेवनी, बी कार्ल मार्क्स, इमैनुअल कांट की हीगल। नो डाउट आप बता ही देंगे क्योंकि काफी देर से सेवनी पर ही चीजें चल रही हैं, तो सेवनी ही होंगे क्योंकि इतने जब प्रतापी राजा हैं सेवनी तो यही होंगे ना, ऐतिहासिक स्कूल का प्रवर्तक सेवनी। निम्न में से कौन विधि शास्त्री ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है, ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है, हेनरी मेन, पुछता, सेवनी की अगस्त कामटे। बिल्कुल 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 सही ऑप्शन हो जाएगा अगस्त कामटे, ऑप्शन नंबर डी। यह है आपका अगला प्रश्न, किसने निम्नलिखित शब्दों को लिखा है, विधि व्यक्तियों के विकास के साथ विकसित होती है, उनकी शक्ति के साथ सशक्त होती है और अंततः राष्ट्र जब अपनी राष्ट्रीयता समाप्त कर देता है तो यह समाप्त भी हो जाती है। यह हार्ट का स्टेटमेंट है कि सेवनी का है कि बेंथम का है कि स्पेंसर का है। ऑप्शन नंबर बी सेवनी। कि निम्न में से कौन विधि शास्त्री ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं, ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं। हेनरी मेन, पुछता, सेवनी की अगस्त कामटे ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अगस्त कामटे, वेरी गुड।
निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित नहीं था? सैबिनी, हीगल, मेन, एहरलेच। निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित नहीं था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एहरलेच। विधि शास्त्र के दो स्कूल जिसमें एक सामान्य लक्षण है किंतु अन्य सभी बातों में वे एक दूसरे से भिन्न है, वे हैं कौन से स्कूल? नैसर्गिक स्कूल, विश्लेषणवादी स्कूल। विश्लेषणवादी स्कूल, ऐतिहासिक स्कूल। समाजशास्त्री स्कूल, विश्लेषणवादी स्कूल की नैसर्गिक विधि स्कूल की समाजशास्त्री स्कूल। इनसे क्या सही ऑप्शन होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषणवादी स्कूल और ऐतिहासिक स्कूल। एक बार आप ये बता दीजिए कि मजा आ रहा है ना, फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं ना, मजा आ रहा है तो बताइए। हाँ एकदम बोर मत होइएगा, जितना देर मजा आएगा उतनी देर करिएगा, फिर उसके बाद जाइएगा अपना घूम लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कहीं भागी नहीं जाएगी। तो आप मजा जब तक आए उसको अटेंड करिएगा, कोई जरूरत नहीं है उसकी बहुत व्यू बढ़ा के बहुत कमाल करना है ना, जब मजा आए तो उसको करिए, नहीं आए छोड़ दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? चलिए धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका। ऑस्टिन की, केल्सन की, हार्ट की, ड्वार्किंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्वार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है, यह कथन किसका है? रास्को पाउंड का, कि अरस्तु का, कि जॉन रॉल्स का, कि महात्मा गांधी का? न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है, ऑप्शन नंबर सी, जॉन रॉल्स। नेक्स्ट, यह है आपका अगला प्रश्न कि हार्ट का विधि विश्लेषण प्रभेद करता है। हार्ट का विधि विश्लेषण किनके किनके बीच? कारण और प्रभाव के बीच, कि सिद्धांत एवं तथ्य के बीच, कि आभारी बाध्य होना और आभार रखना के बीच, कि मूर्त तथा अमूर्त अधिकारों के बीच? सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, आभारी बाध्य होना तथा आभार रखना के बीच। ये आपका प्रश्न, ये विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक एवं नैतिक विधि शास्त्र। विधि शास्त्र के तीन विभिन्न भाग हैं, सामंड के अनुसार है, कि इहरिंग के अनुसार है, कि हार्ट के अनुसार है, कि कांट के अनुसार है? सामंड के अनुसार है, सामंड के अनुसार है। नेक्स्ट कर लेते हैं जल्दी से, ये है आपका अगला प्रश्न। किसका मत है कि समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं? ये डेफिनेशन है, सैमिनी की है, कि सामंड की है, कि हॉब्स की है, कि पोलॉक की है? सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, सामंड महोदय की है। नेक्स्ट है कि विधि के अधिरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में किसने कहा है कि यह समादेश, अनुशस्ति एवं संप्रभुता की त्रिवेणी? समादेश, अनुशस्ति एवं संप्रभुता की त्रिवेणी है, हार्ट है, एलन है, मेन है, कि हॉलैंड है? सही ऑप्शन,
ऑप्शन नंबर ए हार्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विधि शास्त्र रचनात्मक विधि का रीतिबद्ध विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए हॉलैंड, बी सामंड, सी ऑस्टिन कि डी बेंथम। ऑप्शन नंबर ए हॉलैंड ने कहा था। नेक्स्ट किसने कहा था कि विधि सिद्धांत को नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास इत्यादि से अप्रभावित रहना चाहिए। ऑस्टिन, बेंथम, केल्सन की हॉलैंड। बिल्कुल आपका सही अंदाजा है, ऑप्शन नंबर सी केल्सन, प्योर थियरी ऑफ लॉ। तो प्योर कब होगा, सब जब सबसे अलग होगा। देखिए केल्सन के विधि के सिद्धांत को विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं क्योंकि केल्सन ने केवल शुद्ध रूप से विधि शास्त्र की विवेचना की। बी नैतिकता तथा शुद्धता के अनुसार विधि को परिभाषित किया। सी विधि को धर्म, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र और इतिहास से अप्रभावित रखने पर बल दिया कि डी शुद्ध रूप से न्याय के रूप में विधि की विवेचना की। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, अभी जस्ट पहले वाले प्रश्न में यही बात हुई थी और इसी वजह से मैं किसी प्रश्न को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूं कि हो सकता है उसका अगला जवाब अगले प्रश्न में हो। किसने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है? ऑस्टिन, हॉलैंड, ओपेनहाइम, मेन। किसने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉलैंड ने, बी है बेटा बी। यह है आपका अगला प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय विधि नियमों का ऐसा समूह है जो संप्रभु राज्यों और ऐसी अन्य हस्तियों के मध्य लागू होता है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंतरराष्ट्रीय विधि की यह परिभाषा किसने दी थी? स्टार्क ने, ओपेनहाइम ने, स्वार्जनबर्गर ने कि जेनिंग्स ने? यह परिभाषा दी थी स्वार्जनबर्गर ने। नेक्स्ट ये तो बता ही देंगे, लुप्त प्राय बिंदु हॉलैंड। विधि में हार्ट और फूलर विवाद, बड़ा फेमस विवाद है हार्ट फूलर का, किससे संबंधित है? विधि की परिभाषा से, विधि के वर्गीकरण से, विधि एवं नैतिकता से कि शास्ति से? हार्ट फूलर विवाद, ऑप्शन नंबर सी विधि एवं नैतिकता से। वेरी गुड अजय, हरीश, भीम, नेहा, चित्रा, वेरी गुड। नेक्स्ट है कि विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए। ऑप्शन ए डेवलिन, बी हार्ट, सी लॉनफुल्लर कि डी ड्वार्किंग। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डेवलिन। नेक्स्ट कि किसी समाज के अस्तित्व के लिए आंशिक नैतिकता आवश्यक है, यह किसका संप्रेषण? ऑप्शन ए जेरेमी बेंथम, बी ऑस्टिन, सी फुलर कि डी हार्ट। आंशिक नैतिकता आवश्यक है समाज के अस्तित्व के लिए, ऑप्शन नंबर सी फुलर। नेक्स्ट है कि मानक एक क्रिया का नाम जिसके द्वारा एक निश्चित आचरण को आदेशित, अनुज्ञात या अधिकृत किया जाता है। मानक की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? केल्सन ने, के ऑस्टिन ने, के बेंथम ने कि हॉलैंड ने? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए केल्सन ने। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है? एलन,
लास्की मेन सामंड, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सी के एल एन। नेक्स्ट है, ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक विचारधारा को कौन आदेशात्मक विचारधारा कहना पसंद करता है? ऑप्शन ए पैटर्न, बी हॉलैंड, सी सामन की डी सी के एल एन। आदेशात्मक विचारधारा ऑप्शन नंबर डी सी के एल एन। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने अंतरराष्ट्रीय विधि को सकारात्मक नैतिकता के रूप में रखा है? पॉजिटिव मोरालिटी किसने कहा है? बेंथम, ऑस्टिन, सेवनी, हॉलैंड। पॉजिटिव मोरालिटी इंटरनेशनल लॉ को किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा हुआ है। देखिए बच्चों, जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है आप वो नंबर भी ले सकते हैं, ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो कोई बात हो, और जब भी आपको समय मिलेगा तो इस पर आपको मैसेज के माध्यम से चाहे कॉल के माध्यम से आपको रिप्लाई भी किया जाएगा। तो आप इस नंबर को भी रख सकते हैं ताकि भविष्य में अगर आप कोई बात करना चाहें, कोई समस्या शेयर करनी चाहें, तो आप इसके माध्यम से आप अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं। फ़ोन मत करिएगा, पहले मैसेज ही करिएगा व्हाट्सएप पर, और जरूरत पड़ेगी तो फोन से भी बात हो जाए। विधि शास्त्र का विषय विध्यात्मक विधि, विधि जिसे सहज में और यथार्थता ऐसा कहा जाता है, अथवा राजनीतिक वरिष्ठों द्वारा राजनीतिक कनिष्ठों के लिए बनाई गई विधि है, ऐसा कहा है किसने? एलन ने, ऑस्टिन ने, बर्कलैंड ने, बेंथम ने। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ऑस्टिन ने। वो इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कोई बात ही पूछनी हो कभी, तो आप कॉल कर सकते हैं बहुत ज़रूरी हो तो, नहीं मैसेज पहले करिएगा, क्योंकि फ़ोन करेंगे तो हो सकता है रिसीव ना हो पाए, मैसेज करेंगे तो उसके हिसाब से समय निकाल के आपसे बात की जा सकती है, क्योंकि आगे बहुत सारी परीक्षाएँ आने वाली हैं और बहुत सारी परीक्षाएँ हैं तो जरूर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं कि उचित रूप से कही जाने वाली विधि एवं अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में किसने अंतर बताया था? जेरेमी बेंथम ने, कि जी डब्ल्यू पैटर्न ने, कि जॉन ऑस्टिन ने, कि ओलिवर बेंडल होम्स ने। ऑप्शन नंबर सी जॉन ऑस्टिन। और यह है आपका अगला प्रश्न कि ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा निम्न में से किस व्यक्ति के विचारों से प्रभावित है? हॉब्स, लॉक, रूसो के मॉन्टेस्क्यू। संप्रभुता की अवधारणा किस व्यक्ति के विचारों से प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए हॉब्स। नेक्स्ट, कि ऑस्टिन के अनुसार अधिरचनावादी विधि का अर्थ है, ऑप्शन ए जैसी विधि पाई जाती है, बी जैसी विधि होनी चाहिए, सी जैसी विधि जैसी है, और डी विधि जैसी कि न्यायालयों द्वारा लागू की जाती है। ऑस्टिन के अनुसार अधिरचना वाली विधि का अर्थ है जैसी भी है, ऐसी है, वैसी है, जैसी भी है, वही विधि है। अब गिने तो नहीं है बेटा, लेकिन हैं बहुत सारे प्रश्न, गिने नहीं हैं। विधि शास्त्र पद के सामान्य और विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाने में अंतर किसने किया? हॉलैंड की, ऑस्टिन की, सामंड की, एलन। सामान्य और विशिष्ट विधि शास्त्र, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ऑस्टिन।
उच्चतम न्यायालय ने एके गोपालन बनाम मद्रास में यह विनिश्चित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है, ऐसी प्रक्रिया जो विधि द्वारा विहित है चाहे वह युक्तियुक्त हो अथवा न हो, यह निर्णय किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अधिरचनावादी दृष्टिकोण, नैसर्गिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। ऑप्शन ए अधिरचनावादी दृष्टिकोण, क्योंकि जस्ट अभी आपने पहला इससे पहले का प्रश्न पढ़ा उसमें था ना कि जिस विधि जैसी भी है। सही है। नेक्स्ट है, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की विशेषता होती है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, सकारात्मक केवल कि नकारात्मक केवल कि आंतरिक। संप्रभुता की विशेषता होती है ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। यह है आपका अगला प्रश्न। कि ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा निम्न में से किस व्यक्ति के विचारों से प्रभावित है? ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी मॉन्टेस्क्यू। अरे ये तो हो चुका है ना, हॉब्स। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन विधि को नैतिकता से अलग रखता है और कहता है कि विधि शास्त्र विज्ञान का संबंध विधि की उपयोगिता के उद्देश्य से नहीं? ऑस्टिन, कांट, फूलर, डॉर्किन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने प्रथागत कानून को विधि मानने से अस्वीकार कर दिया है? प्रथागत कानून को विधि मानने से अस्वीकार कर दिया। ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन, बी कांट, सी कीटन की डी सेवनी। प्रथागत कानून को विधि मानने से अस्वीकार कर दिया था ऑस्टिन ने। नेक्स्ट, ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विधि का अनिवार्य तत्व नहीं? समादेश, आदर्श, संप्रभु, अनुशास्ती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी आदर्श, क्योंकि इनको होनी कैसी चाहिए इससे कोई मतलब नहीं, जो है वही ठीक है। एक सेकंड में सुन तो लूं कि आप लोगों को आवाज प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। आदर्श, संप्रभु, चलिए ठीक है। द लिमिट्स ऑफ जुरिसप्रूडेंस डिफाइंड को किसने लिखा है? बेंथम, एलन, ऑस्टिन, ग्रे। डिफाइंड ऑप्शन नंबर ए बेंथम होंगे। बेंथम बहुत फेमस पुस्तक है ये। निम्नलिखित में से किसको उपयोगितावाद के सिद्धांत अर्थात बहुजन हिताय अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण, जिसे हम सुख दुख का नियम भी कहते हैं, का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑस्टिन को कि हॉलैंड को, बेंथम को कि हार्ट को? ऑप्शन नंबर सी होंगे बेंथम, सुख दुख का सिद्धांत, उपयोगितावादी व्यक्तिवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। स्टिमलर ने विधि को दो भागों में विभाजित किया था, वास्तविक विधि और वास्तविक नैतिकता, सकारात्मक विधि और नकारात्मक विधि, विधि के विचार और विधि की संकल्पना, और ईश्वर की विधि और मानवीय विधि में किसमें अंतर किया था? सी ऑप्शन है विधि के विचार और विधि की संकल्पना।
निम्नलिखित विधि शास्त्री को परिवर्तनीय, इतनी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, परिवर्तनीय अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि नेचुरल लॉ विद द वेरिएबल कंटेंट के सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। फूलर, स्टेमलर, हार्ट, कोई नहीं। पहले मेरे दिमाग में हिमालिका जी यही था कि मैं ज्यूरिसप्रूडेंस के 3-4-5 लेक्चर ही ले लूं जिससे कि आप लोगों को मदद हो जाए, लेकिन अब उसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा कि मैं वो समय नहीं निकाल पाया। अब चूंकि इतना लेट हो गया कि अब हम 5 दिन 6 दिन, अब एक लेक्चर से तो होगा नहीं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो सकता है लेक्चर लेना पड़ जाए और उतना समय आपके पास नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो हो सकता है वही किया जाए और ये पॉसिबल मुझे लगा तो मैंने यही तरीका अपनाया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन कर रखा है, यह किसने परिभाषा दी थी? बी आर ए बेंथम, बी ऑस्टिन, सी पाउंड, डी हॉब्स। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंथम, बेंथम ने सुख दुख का नियम उन्होंने दिया था कि प्रकृति ने आदमी को कुछ कहीं का छोड़ा ही नहीं, आदमी दुख से बचना चाहता है और सुखों को प्राप्त करना चाहता है और इसी सुख दुख के बीच पूरी जिंदगी बिता देता है, क्योंकि उसे कभी नहीं लगता कि हम सुखी हैं और सुखों की चाह में पूरी जिंदगी दुखी रहता है। तो यह सिद्धांत बेंथम ने दिया था कि सभी प्रमाणवादी विधि की एक न्यायोचित विधि को प्राप्त करने का प्रयास है और न्याय सामाजिक जीवन के ढांचे के भीतर इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय, इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय काल स्थान के साथ परिवर्तनशील है, यह किसका कथन? स्टेमलर का, कि रूसो का, कि हॉब्स का, कि एक्विनास का? ठीक है बेटा, ठीक ठीक, यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, रूसो। नेक्स्ट, ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र का विज्ञान संबंधित है नैतिकता से कि निश्चयात्मक विधि से कि दैवीय विधि से कि प्राकृतिक विधि से? ऑस्टिन, विधि शास्त्र का विज्ञान संबंधित है निश्चयात्मक विधि से। मानवाधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित में से किस शाखा ने जन्म दिया? नैसर्गिक विधि शाखा, ऐतिहासिक शाखा, यथार्थवादी शाखा, की समाजशास्त्री शाखा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस, ह्यूमन राइट की बात तो नेचुरल लॉ स्कूल ही करेगी, तो नेचुरल लॉ स्कूल ने किया। ये है आपका कि विधि मनोभाव से मुक्त तर्क है, ये कथन किसका है? सुकरात का, कि प्लेटो का, कि रास्को पाउंड का, कि अरस्तु का? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु का। विधि और व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए, यदि उसे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती तो उसे अन्य राज्य में चला जाना चाहिए, यह कथन संबंधित है अरस्तु से, प्लेटो से और सुकरात से कि ऑस्टिन से? किसका है? कि जिसको भारत माता की जय नहीं बोलना वो पाकिस्तान चला जाए? सुकरात, वेरी गुड। जीरो जीरो सेवन, अंधकार युग में नैसर्गिक विधि को एक नया विवेचन दिया गया था, किसके द्वारा? संत अगस्टाइन के द्वारा, थॉमस एक्विनास के द्वारा, पाल के द्वारा, कि अल्पियन के द्वारा? यह है ऑप्शन नंबर ए, संत अगस्टाइन के द्वारा। और यह है आपका अगला प्रश्न,
कि प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्रकृति तथा समाज में रहने की उसकी आंतरिक आवश्यकता पर आधारित होती है। यह किसने कहा था? ग्रोसियस ने, हॉब्स ने, लॉक ने कि रूसो ने? यह स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूगो ग्रोसियस का। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक विधि नहीं है? सजीव विधि, दैवीय विधि, सार्वलौकिक विधि कि नैतिक विधि? प्राकृतिक विधि नहीं, ऑप्शन नंबर ए सजीव विधि। टेकिंग इट और टेकिंग राइट्स सीरियसली पुस्तक के लेखक कौन है? हार्ट, डॉर्किन, केल्सन कि जूलियस स्टोन? टेकिंग राइट सीरियसली, ऑप्शन नंबर बी ड्वार्किन। निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक विधि का आलोचक? ऑप्शन ए संत अगस्ताइन, बी संत थॉमस एक्विनास, सी अरस्तु कि डी बेंथम? एक दिन बताया था मैंने ये चिढ़ने वाली वैरायटी थी, इनकी जो प्रजाति थी बेंथम, ऑस्टिन, केल्सन ये सब जो थे वे एकदम से दूसरे को खराब खराब बोलते थे, तो नैसर्गिक विधि के आलोचक थे ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस वाद में यह भी निर्धारित किया गया है कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना या उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए न्याय की हत्या को रोकना है? उड़ीसा, राज्य बनाम डॉक्टर वीड़ापाड़ी, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, एक एक क्रैपक बनाम भारत संघ? वाह बहुत बढ़िया, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी एक एक क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा नैसर्गिक विधि की खोज जारी रहेगी, किसका कथन है? हॉब्स, न्यायमूर्ति होम्स, लॉर्ड लायड कि रूसो? जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा नैसर्गिक विधि की खोज जारी रहेगी, वाह पाप का घड़ा भरने तक। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। यह है आपका अगला प्रश्न कि दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री थे हर्बर्ट स्पेंसर, सर हेनरी मेन, मैक्स वेबर की हीगल? दार्शनिक विचारधारा के आप इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विधि शास्त्र की शाखाओं में से किसमें स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई थी? आज्ञात्मक शाखा, ऐतिहासिक शाखा कि नैसर्गिक विधि शाखा कि समाजशास्त्री शाखा? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी नैसर्गिक विधि शाखा के अंदर स्टोइक दर्शन। कि मानवाधिकारों की संकल्पना में से किस शाखा ने जन्म दिया? मानवाधिकारों की संकल्पना को किस शाखा ने जन्म दिया? ऑप्शन ए नैसर्गिक, ऐतिहासिक, यथार्थवादी कि समाजशास्त्री? बिल्कुल ये तो पहले भी हो चुका है, नैसर्गिक विधि शाखा। विधि मनोभाव से मुक्त तर्क है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सुकरात, बी प्लेटो, सी रास्को पाउंड कि डी अरस्तु?
सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी अरस्तु का कथा। बस इतने प्रश्न आप प्रैक्टिस करके चले जाइए, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके बाद कुछ मत पढ़िएगा। कोई ऐसी बुक, कोई ऐसी गाइड, कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं होता जो आपके परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को गेस कर दे। तो इसलिए इसके अलावा भी पढ़िएगा, लेकिन कम से कम ये तो आप सॉल्व करिएगा ही एक से अधिक बार। निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्री प्राकृतिक विधि की विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? एक्विनास, सी कोहलर, बी ग्रोसियस, डी सुकरात। मेरे सब जवाब से पहले ही आपके जवाब, ऑप्शन नंबर डी सुकरात। विधि शास्त्र मानवीय एवं दवीय चीजों का ज्ञान एवं सही एवं गलत का विज्ञान है। यह कथन किसका है? कीटन का, कि सेवनी का, कि अल्पियन का, कि ऑस्टिन का? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अल्पियन। पर इसको फुल स्क्रीन करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। नहीं मजा दे रहा। ये देखिए, ये प्रश्न है कि किसने कहा है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, ये बात किसने कही हुई? मेन ने, कि सेवनी ने, कि पाउंड ने, कि लास्की ने? सपना जी नमस्ते, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं बिटिया। चलिए, ये लास्की का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखता है कौन? ऑस्टिन, की हार्ट, की सामंड, की हॉलैंड? नियमों की एक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी हार्ट। निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन प्राकृतिक विधि विचारधारा का प्राचीन सिद्धांत से संबंधित? ऑप्शन ए एक्विनास, कोहलर, ग्रोसियस, कि सुकरात। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सुकरात। यह है आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्री नैसर्गिक विधि विचारधारा का विरोधी था? कांट, बेंथम, स्टेमलर, कि रॉल्स? स्वाभाविक सी बात है, आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी जेरेमी बेंथम। देखिए, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं लेकिन उंगलियों को कष्ट नहीं दे रहे हैं कि मैं क्यों कमेंट करूं, कोई पोल तो हो नहीं रहा। नहीं, उंगलियों को कष्ट देंगे तो चीजें दिमाग में ज्यादा देर तक टिकेंगी। कुछ बातें मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ चीजों का आपको तुरंत तत्काल फायदा, प्रत्यक्ष फायदा नहीं दिखाई देता, लेकिन उसका फायदा होता है। जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीजें टिकने में अंतर होगा, कुछ ज्यादा देर तक, कुछ कम देर तक। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित नहीं? सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत, पक्षपात का सिद्धांत, की युक्ति युक्तता का सिद्धांत? ऑप्शन नंबर बी प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित नहीं? अरे सेम हो गया ना, विधि से अभिप्राय है,
राज्य का संपूर्ण विधि विज्ञान, कोई विशिष्ट कानून, नैतिकता के नियम, प्राकृतिक न्याय के नियम। ऑप्शन नंबर ए, राज्य का संपूर्ण विधि विधान। नेक्स्ट, यह है अगला प्रश्न कि विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है, यह कथन किसका है? एलन का कि हॉलैंड का कि बेंथम का कि ऑस्टिन का? ऑप्शन नंबर ए, एलन। नेक्स्ट, नैसर्गिक विधि की आधारशिला रखी गई थी हेराक्लिटस के द्वारा कि अरस्तु के द्वारा कि ऑस्टिन के द्वारा कि हॉब्स के द्वारा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, हेराक्लिटस के द्वारा। नेक्स्ट, कि नैसर्गिक विधि का विचार सर्वप्रथम प्रकट हुआ था फ्रेंच क्रांति में, अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम में, यूनानी ग्रीक विचारधारा में कि रोमन विधि? नैसर्गिक विधि का विचार सर्वप्रथम, ऑप्शन नंबर सी, यूनानी ग्रीक विचारधारा में। विधि अनिश्चित है और विधि की अनिश्चितता की निश्चितता एक विधिक कपोल कल्पना है। जेरोम फ्रैंक, होम्स, ग्रे, लिवेलिन। आयशा, कैप्टन अवाना, वेलकम है बच्चों। तो ये सही ऑप्शन जेरोम फ्रैंक हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा, किल्सन के द्वारा, कि पाउंड के द्वारा, कि जूलियस स्टोन के द्वारा? प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, जूलियस स्टोन के द्वारा। नेक्स्ट, किसने विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहा है? ऑप्शन नंबर ए, सेवेनी, बी, सामंड, सी, जूलियस स्टोन, कि डी, बर्कलैंड? अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता, एक्स्ट्रावर्जन ऑफ लॉयर्स, जूलियस स्टोन ने कहा हुआ है। नेक्स्ट है, विधि का कथन न्यायालय क्या अभिनिर्धारित करेगा? इसकी भविष्यवाणी, इससे अधिक कुछ नहीं, यह मुख्य आधार है। ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक शाखा, बी, समाजशास्त्री शाखा, सी, यथार्थवादी शाखा, और डी, नैसर्गिक विधि शाखा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथार्थवादी शाखा। वेरी गुड, किसने कहा है कि विधि शास्त्र मानव स्थापित यानी निश्चयात्मक विधि का दर्शन? ए, सामंड, बी, ऑस्टिन, सी, हॉलैंड, कि डी, ग्रे? अब ये समय होता हम लोगों के पास जब हम लोग क्लास मान लीजिए रखते, तो वो जो बारीकियां हैं कि लगभग एक जैसी ही डेफिनेशन बहुत सारे विद्वानों ने दी हुई, बहुत सारे मुद्दों पर बात की हुई, तो वो बारीकियों के आधार पर जो अंतर नहीं समझ में आता है और हम कभी कभी सी लगाते हैं, कभी कभी डी लगाते हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते थे। लेकिन ये सेशन भी बहुत उपयोगी रहेगा आपके लिए, जितने प्रश्न आपको यहां पर मिल जाएंगे उतने प्रश्न तो उसमें नहीं हो पाते। विधायिका और न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र के बीच स्पष्ट विभाजन है। विधायिका विधि का सृजन करती है,
निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सिद्धांत प्रतिपादित करता है? विश्लेषणवादी विधिशास्त्र, ऐतिहासिक विधिशास्त्र, समाज वैज्ञानिक विधिशास्त्र कि दर्शनवादी विधिशास्त्र? ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषणवादी विधिशास्त्र। चलिए अब पेन की कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग बोर ना होने पाए, थोड़ी मोटी भी कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट अखिलेश, कौन से पिछले वाले का बेटा? इसका, इसका देख लीजिए, ये ऑस्टिन रहे हैं, इसका ऑस्टिन। प्रीति, हाँ बेटा प्रीति, हाँ ये, हाँ ये बताइए, कि उचित रूप से कही जाने वाली विधि और अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में किसने अंतर बताया था? ऑप्शन ए जर्मी बेंथम, बी जी डब्ल्यू पैटर्न, सी जॉन ऑस्टिन और डी ओलिवर बेंडल होम्स। क्या है? और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन ऑस्टिन। एकाक्ठो क्वेश्चन हमसे, लगता है कि आंसर बताना हमसे छूट गया था, एकाक्ठो आंसर छूट गया था हमसे, तो चलिए अब हो सकता है कि कौन सा छूटा, हमको तो याद भी नहीं है, अब ध्यान देंगे इस चीज का। किसने कहा है कि ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है? सी के एलन, हेराल्ड लास्की, सर हेनरी मेन की जान सामंड। ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है, सी के एलन। ऑप्शन, अरे क्वेश्चन है कि ऑस्टिन का सिद्धांत वृत्तिक करणीय है, विधि विधि है क्योंकि यह संप्रभु द्वारा बनाई जाती है, और संप्रभु संप्रभु है क्योंकि वह विधि बनाता है, यह किसका स्टेटमेंट? ऑप्शन नंबर ए केल्सन का, बी सामंड का, कि सी बकलैंड का, कि डी हॉलैंड। बकलैंड का, यह सब फालतू बात कौन कहते हैं, बकलैंड का पर्यायवाची होता बेवकूफ, तो इन्हीं का स्टेटमेंट है ना, आप लोग उत्तर प्रदेश बिहार के इस सब एरिया से समझते होंगे, बकलैंड मतलब बेवकूफ होता है, तो इनका नाम ही था। नेक्स्ट है कि कोई ऐसी धारणा जो यह तथ्य छिपाती है या छिपाने का प्रभाव रखती है कि एक विधि का नियम परिवर्तित हो गया है, जबकि विधि शब्द अपरिवर्तित हो, उसका प्रवर्तन उपांतरित हो, संज्ञापित करने वाली अभिव्यक्ति है। ऑप्शन ए विधिक कल्पना, बी साम्या, डी प्रथा और डी विधायन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, अब बेटा बनारस से हूं मैं, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आगमनात्मक एवं निगमनात्मक पद्धतियां संबंधित हैं किससे? रूढ़ी से कि पूर्व निर्णय से कि विधायन से कि निर्वचन से? यह है ऑप्शन नंबर सी विधायन से संबंधित। आज त्योहार के दिन मैंने आप लोगों को पतंग उड़ाने में बाधा डाली, उसकी एक वजह यह भी थी कि एक तो परीक्षा आपकी नजदीक है, दूसरी बात यह भी थी कि बड़ा सेशन लेने के लिए मेरे पास संडे को ही टाइम मिल सकता है, संडे के अलावा मुश्किल है कि मैं इतना देर का सेशन दे पाऊँ एक बैठे, तो
तो इसलिए मैंने ये बड़ा सेशन रख दिया कि चलिए थोड़ी असुविधा होगी लेकिन फायदेमंद रहेगा। जेवा बेटा गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। गलत हो रहे तो सही भी हो जाएंगे, और ये इसी वजह से ही है ना कि आप जो है गलत जो कर रहे हैं उसको सही करने के अवसर है। एक बार गलत कर लीजिए उसके बाद गलत ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी त्योहार वगैरह पर कम ध्यान दीजिए, अभी आप लोग परीक्षा को टारगेट करिए, क्योंकि ये त्योहार जो है ना वो बहुत बड़ा त्योहार है, और अगर ये सही चला गया तो भविष्य के सारे कितने भी बोरिंग त्योहार होंगे सब अच्छे जाएंगे, लेकिन अगर ये त्योहार खराब जाएगा तो ये त्योहार उसको अच्छा नहीं बना सकता। तो ठीक है, सबका अपना अपना फेस्टिवल है, अच्छा बीते, बहुत बढ़िया बीते, लेकिन ये काम जो हमारे सामने है, क्योंकि देखिए हमेशा हम लोग रिजल्ट को टारगेट करते हैं, हमेशा ये स्वभाव है मनुष्य का कि आंखें रिजल्ट पर गड़ाए रखता है, लेकिन रिजल्ट एक प्रोसेस का नाम है और उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। रिजल्ट एक प्रोसेस का नाम है और हमको उस प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये प्रोसेस हमारा सही रहेगा तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा वैसा, और अगर हम एकदम रिजल्ट पर ध्यान गड़ाए रहेंगे और प्रोसेस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो सही नहीं है संकेत हमारे लिए। तो रिजल्ट किसी का भी आता है, वो एक दिन का परिणाम नहीं होता कि एक दिन जाके उन्होंने तपस्या की और तुरंत रिजल्ट उनके हिसाब से आ गया। तो हमको ध्यान देना है कि वो जो प्रोसेस है उसमें हम फुलफिल करें, और हमेशा उसके लिए जो मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। और मैं फिर से बताता हूं कि सिलेक्शन के लिए इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में मत रहिएगा, इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत ही नहीं है सिलेक्शन होने के लिए। टू द पॉइंट रहिए, पैटर्न पर रहिए, लीक पर रहिए, और लीक पर रहेंगे तो बहुत कठिन नहीं है सिलेक्शन। ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कर लिया है कि नहीं, कि जो विधायन किसी अन्य विधायी प्राधिकारी द्वारा निरसित, निराकृत या नियंत्रित किए जाने योग्य नहीं होता वह कहलाता है प्रत्यायोजित विधायन, अधीनस्थ विधायन, सर्वोच्च विधायन कि न्यायपालिका विधायन। ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च विधायन ही होगा। अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधि निकाय प्राधिकारी को विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन, कैसा प्रत्यायोजन, सशर्त है, सशर्त विधान कहलाए, हेनरी अष्टम खंड कहलाए, अत्यधिक प्रत्यायोजन कहलाएगा, अविधिमान्य प्रत्यायोजन। ऑप्शन नंबर ए सशर्त विधान कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण करने का एक तरीका नहीं है? प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण करने का तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए संसदीय नियंत्रण, बी न्यायिक नियंत्रण, सी प्रत्यायोजित विधान का प्रकाशन, और डी प्रत्यायोजित विधान के रजिस्ट्रीकरण के अपेक्षा। प्रत्यायोजित का तरीका नहीं है, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामंड के अनुसार उच्चतम विधायन से अभिप्रेत है औपनिवेशिक विधायन, कार्यपालिका द्वारा विधायन, न्यायिक विधायन के संसद द्वारा निर्मित विधि। ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा निर्मित विधि। निम्न में से कौन सा वाद पूर्व निर्णय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, बी है प्रकाश चंद पाठक बनाम उत्तर प्रदेश, सी है लीवर सीज बनाम एंडरसन, और डी है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। पूर्व निर्णय के सिद्धांत से संबंधित नहीं, ऑप्शन नंबर सी लीवर सीज बनाम एंडरसन। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में प्रथम बार
अपने पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया है। खड़क सिंह उत्तर प्रदेश, मेनका गांधी भारत संघ, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बिहार राज्य, केशव मिल कंपनी बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। आप जानते हैं बंगाल इम्यूनिटी कंपनी संविधान के आर्टिकल 101 और 141 पर है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय निचली सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद अपने निर्णय से बाध्य नहीं होगा, है ना ऐसी बात? यह है आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है, और एग्जामिनेशन में भी जाइए तो इस चीजों को ध्यान रखिए। कभी कभी हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते और उसके वजह से गलतियां हो जाती हैं। तो नहीं है, क्या गलत है, ये टाइप की चीजें ध्यान देना है। पढ़िए इसका क्या आंसर होगा। एक सिविल जज का निर्णय उसी न्यायालय के अन्य सिविल जजों पर बाध्यकारी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी। निर्णयानुसरण के सिद्धांत का अर्थ है कि न्यायिक निर्णयों में बाध्यकारी बल होना। हाउस ऑफ लॉर्ड स्वयं अपने निर्णय से बाध्य नहीं है। इसका सही ऑप्शन ए, सही नहीं है। नेक्स्ट, अनवधानता के कारण दिए गए एक निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निर्णय बाध्यकारी है, निर्णय अवैध है, निर्णय असंवैधानिक है कि निर्णय बाध्यकारी नहीं है? एक समय ओके बेटा, ओके ओके ओके, सही बात है, मैं भूल जा रहा हूं, एक सेकेंड। चलिए, ये है ऑप्शन नंबर डी है, निर्णय बाध्यकारी नहीं। हाँ, ये चीज रहे ना, मैं भूल जाऊं तो उसको ध्यान दिला दिया करिएगा। नेक्स्ट है, ये है आपका अगला प्रश्न। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर है, किंतु उच्चतम न्यायालय अपने विनिश्चय से आबद्ध नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं अभिनिर्धारित किया गया था, कौन सी केस में? बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस बिहार, केशवानंद भारती केरल, इंदिरा नेहरू गांधी राजनारायण, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा की थी, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यह है आपका अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा वाद पूर्व निर्णय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, प्रकाश चंद पाठक बनाम उत्तर प्रदेश, लिवरसीज बनाम एंडरसन, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मुझे लगता है कि लिवर्स ये वाला प्रश्न पहले भी हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट, सामंड के अनुसार उच्चतम विधायन से अभिप्रेत है औपनिवेशिक विधायन, कार्यपालिका द्वारा विधायन, न्यायिक विधायन के संसद द्वारा निर्मित विधि। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा निर्मित विधि। अब ठीक है, नेक्स्ट कि निर्वचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय कानून का अर्थ उस अधिकृत प्रारूप के माध्यम से निश्चित करने का प्रयास करते हैं जिसमें वह व्यक्त किया गया है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? मैक्सवेल का कि सामंड का कि जीपी सिंह का कि क्रेज का?
का सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सामंड का। दरअसल मैं जब प्रश्न पूछ रहा हूं आप लोगों से तो मेरे दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो इसलिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं ये प्रश्न पूछ चुका हूं कि नहीं। न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण भी करते हैं, इस विचार के समर्थक कौन है? ऑप्शन नंबर ए ग्रे, डायसी, सामंड की ब्लैक स्टोन। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रे। नेक्स्ट है कि विधि के स्रोतों की विवेचना करते हुए निम्नलिखित में से कौन कहता है कि न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूकने का कार्य करते हैं? ऑप्शन ए हॉलैंड, बी ग्रे, सामंड की ऑस्टिन। ग्रे ही बड़ी खुश रहते थे न्यायालय पर, जैसे इनके बुआ का लड़का जज हो उस तरीके से नहीं, आदमी जब जिस चीज में रहता है वो उसी के फेवर की बात करता है। अगर मेरे परिवार में कोई पुलिस में हो तो मैं यही प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि पुलिस की नौकरी सबसे बढ़िया है, जुडिशियरी में हो तो मैं जुडिशियरी को साबित करने की कोशिश करूंगा। तो यही कहीं ना कहीं इनकी बातों से लगता है कि जैसे न्यायाधीश इनके परिवार में कोई था। अगला, एक पूर्व निर्णय के अंतर्गत, पूर्व निर्णय के अंतर्गत कही गई या की गई वह प्रत्येक बात सम्मिलित है जो पश्चातवर्ती आचरण के लिए एक नियम प्रस्तुत करती है, किसने कहा? कीटन, ग्रे, सामंड की जेंक्स। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ग्रे। आई बात ना? मेरे विचार में पूर्व निर्णय का पालन एक नियम होना चाहिए, न कि अपवाद। यह कथन किसका है? कार्डोजो का कि ब्लैकस्टोन का कि कीटन का कि थीबा का? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कार्डोजो का स्टेटमेंट। देख रहे हैं बच्चे कम हो गए, थक गए। न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का निम्न में से मुख्य प्रणेता कौन है? घोषणात्मक सिद्धांत का ब्लैकस्टोन है कि ग्रे है कि सामंड है कि डायसी? दो प्रकार के हैं ना, घोषणात्मक सिद्धांत और एक निर्माणात्मक सिद्धांत। तो घोषणात्मक सिद्धांत के प्रणेता ग्रे है। ब्लैकस्टोन है ना घोषणात्मक के, निर्माणात्मक के ग्रे है ना। घोषणात्मक सिद्धांत के हमको लगता है कि ब्लैकस्टोन है, निर्माणात्मक के ग्रे है। देखिए कंफ्यूजन हो रहा है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, नहीं तो मैं अगली वीडियो जब डालूंगा तो आप लोगों को मैं करेक्ट कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे अचानक से ध्यान नहीं आ रहा कि निर्माणात्मक का कौन है और घोषणात्मक का कौन है, इसमें से दोनों में से गड़बड़ हो रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कर लीजिएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित विधि शास्त्री इस मत के समर्थक नहीं है कि न्यायाधीश विधि का सृजन करते। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी होम्स, सी ग्रे, डी ड्वार्किंग। ऑप्शन नंबर डी ड्वार्किंग। विधि वह जो न्यायाधीश घोषित करते हैं, यह कथन निम्न में से किस विचारक का है? जेरोम फ्रैंक, जूलियस स्टोन, ग्रे, होम्स। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ग्रे। इसका मतलब सी क्या हुए? घोषणात्मक सिद्धांत के। तो यहां हम लोगों का प्रश्न क्या था?
हाँ घोषणात्मक सिद्धांत के बी ही होंगे तब फिर। ठीक है चलिए अगला प्रश्न कर लीजिए, ये है आपका अगला प्रश्न कि एक रूढ़ी जिसकी प्राधिकारिता उसकी स्वीकृति तथा बाध्य होने वाले पक्षकारों के मध्य करारों में सम्मिलित किए जाने पर सशर्त आधारित होती वह कैसी रूढ़ी कहलाती है? सामान्य कि विधिक कि स्थानीय कि अभिशयात्मक? बिल्कुल अभिशयात्मक रूढ़ी कहलाएगी क्योंकि करारों में सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने न्याय को दो भागों में बांटा है, वितरणात्मक न्याय तथा सुधारात्मक न्याय? ऑप्शन ए डेबिन, बी अरस्तु, सी प्लेटो कि डी एक्विनास? वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय, अरस्तु। निम्नलिखित में से कौन रूढ़ी का आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए निश्चितता, बी युक्तियुक्तता, सी निरंतरता और डी नैतिक बल। निश्चितता, युक्तियुक्तता, निरंतरता तो होनी चाहिए, नैतिक बल होना जरूरी नहीं रूढ़ी के लिए। रूढ़ी विधायन से पुरोगामी होती है अतः उससे श्रेष्ठ होती है तथा विधायन को रूढ़ी के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। सिद्धांत कौन से सिद्धांत का है? समाजशास्त्री, विश्लेषणात्मक, नैसर्गिक कि ऐतिहासिक? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक विचारधारा, क्योंकि ऐतिहासिक विचारधारा रूढ़ी को बड़ा महत्व देती है। अवधि बाधित ऋण है एक अपूर्ण अधिकार, एक अपूर्ण अधिकार, एक पूर्ण अधिकार, एक अपूर्ण अधिकार, सर्वबंधी अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। अवधि बाधित ऋण है एक अपूर्ण अधिकार, अवधि बाधित ऋण समझते हैं ना टाइम बार डेट को, कि मान लीजिए आपका 1,000 रुपया वसूलने का हक है और वो टाइम बार्ड हो गया, मान 3 वर्ष हो गया और आपने उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये जो है अब पूर्ण अधिकार नहीं रह गया, मतलब आप इस धन के लिए कोर्ट में जाके सूट फाइल करके आप पैसा वसूल नहीं सकते, लेकिन अभी भी एक अपूर्ण अधिकार के रूप में है, यानी वो व्यक्ति अगर देना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकता है ऐसा। और आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 के जो एक्सेप्शन नंबर 3 है टाइम बार्ड डेट को चुकाने का जो प्रॉमिस है उसको वैलिड करता बिना कंसिडरेशन के। एक सर्वबंधी अधिकार स्वामीहीन संपत्ति में एक हित है, एक सर्वबंधी अधिकार संपूर्ण विश्व के विरुद्ध संरक्षित एक हित है, एक सर्वबंधी अधिकार एक निश्चित वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध हित है। सर्वबंधी अधिकार केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध हित है, संपूर्ण विश्व के विरुद्ध उपलब्ध हित नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी संपूर्ण विश्व के विरुद्ध संरक्षित हित है। नेक्स्ट है आपका ये प्रश्न कि सर्वबंधी अधिकार प्राप्त होता है किसके विरुद्ध? केवल विशेष व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के, केवल सरकार के, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब वो केवल विशेष व्यक्तियों के लिए होगा तो फिर सर्वबंधी अधिकार कह ले, प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अधिकार का लक्षण नहीं? अधिकार धारण करता, अधिकार से आबद्ध व्यक्ति,
अधिकार की विषय वस्तु अधिकार का नवीन, विधिक अधिकार का कौन सा लक्षण नहीं है, बिल्कुल ये अधिकार का नवीन हो जाएगा क्योंकि धारणकर्ता आबद्ध व्यक्ति और सब्जेक्ट मैटर तो होना ही चाहिए। विधिक अधिकार से संबंधित निम्न में से कौन सा सिद्धांत इहरिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए इच्छात सिद्धांत, बी रियायत सिद्धांत, सी यथार्थवादी सिद्धांत कि डी हित सिद्धांत। इहरिंग द्वारा ऑप्शन नंबर डी हित सिद्धांत, क्योंकि विधिक अधिकार से संबंधित दो सिद्धांत इच्छा और हित, तो हित सिद्धांत इहरिंग का है। ये है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अधिकार का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए अधिकार का भोक्ता अर्थात वह व्यक्ति जिसमें अधिकार निहित है, अधिकार का विषय वस्तु या संबंधित वस्तु, अधिकार कार्य या प्रवृत्ति, ऑप्शन डी विधिक उपचार। इसका विधिक अधिकार का आवश्यक तत्व तो नहीं है, ऑप्शन सी होना चाहिए कार्य या प्रवृत्ति। ठीक है हाँ, क्योंकि जिसमें निहित है वह व्यक्ति होना चाहिए और उसकी विषय वस्तु होनी चाहिए, उसमें उपचार होना चाहिए, यह होना जरूरी नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि विधिक अधिकार के दो मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? इच्छा सिद्धांत और हित सिद्धांत, इच्छा सिद्धांत और कल्पितार्थ सिद्धांत, हित सिद्धांत और रियायत सिद्धांत कि हित सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत। विधिक अधिकार के दो मुख्य सिद्धांत हैं इच्छा सिद्धांत और हित सिद्धांत। नेक्स्ट है, अब आपके दिमाग में ये सबसे ज्यादा जरूरी प्रश्न क्या चल रहा होगा कि पता नहीं कब तक चलेगा ये सेशन, बहुत देर अब नहीं चलेगा, लेकिन ये है कि अगर हमने इसको मैराथन सीरीज रखी है तो कम से कम उसमें इतने प्रश्न तो कर दें, कम से कम इतने प्रश्न हो जाएं कि एक बार जब आप रिवीजन करने बैठें तो कर लें, तो एग्जामिनेशन में जाके कुछ कर भी पाए। अच्छा, तो इसलिए करा रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि अभी बहुत जल्दी तो खत्म नहीं होगा। कि विधिक अधिकार के दो मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? ये तो हो गया, चलिए एक क्वेश्चन तो ऐसे ही कम हो गया आपका। ये बताइए निम्नलिखित में से कि युग में से कौन विधिगत सहवर्ती नहीं है? कर्तव्य अधिकार कर्तव्य, स्वतंत्रता एवं अधिकारहीनता, उन्मुक्ति एवं निर्योग्यता कि शक्ति एवं निर्योग्यता। ऑप्शन नंबर डी शक्ति निर्योग्यता वाला सवर्ती नहीं है। ये क्लास बेटा चल रही है 2 बजे से, 2 बजे से चल रही है और 4 बजे तक हम सोच रहे हैं कि चला दें। 3 से ज्यादा हो गया है कि नहीं? 3 से ज्यादा हो गया है ना, हाँ तो 4 बजे तक चला दें कम से कम, बस 4 बजे तक चला के बंद कर दें। नेक्स्ट है कि अधिकारों का 4 विधिक सहवर्ती के रूप में विश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? रास्को पाउंड, बी रॉडिन, सी हाफफेल्ड, डी कोकाउरक। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाफफेल्ड का ही सिद्धांत। ये देखिए कि किसने कहा है कि एकमात्र अधिकार जो व्यक्ति को पास रहता है वह है सदैव अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का अधिकार? ऑप्शन ए है सामंड, बी है डायसी, कॉम्टे की हार्ट। किसका कथन? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉम्टे,
देखिए यहां पर प्रश्न आपको आएगा कि एकमात्र अधिकार जो किसी व्यक्ति के पास है वो अपने कर्तव्य का पालन करना। मतलब इनका सेंस ये था कि अधिकार कुछ होता ही नहीं है, आदमी के केवल कर्तव्य होते हैं और वही कर्तव्य ही अधिकार होता है। लेकिन अब ये प्रश्न जब आता है ना, कामटे ऑप्शन में हो तो कामटे लगा दीजिएगा, ड्यूगिट हो तो ड्यूगिट लगाइएगा। इसलिए क्योंकि ड्यूगिट ने ये विचार कामटे की ही विचारधारा से ली थी, कामटे ड्यूगिट का ये जो रूल है जो इन्होंने कहा था वो कामटे की विचारधारा से ही लिया था, इसलिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आयोग के सामने जब दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं। जब ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तो समस्या हो जाती है, तो अब चूंकि इसमें दो नहीं है इसलिए कामटे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, किसने अधिकार की अवधारणा को अनैतिक और समाज के हित के विरुद्ध के रूप में स्वीकार किया है? लास्की ने कि एडवर्ड जेंक्स ने कि बर्कलैंड ने कि ड्यूगिट ने? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्यूगिट ने। निम्नांकित में से किसने परिभाषित किया है कि अधिकार विधि के नियम द्वारा मान्यता प्राप्त एवं संरक्षित हित है? ऑप्शन ए हेरिंग, बी सामंड, सी ग्रे कि डी हॉलैंड? ऑप्शन नंबर बी, हाँ सामंड। और विधि द्वारा संरक्षित हित किसका स्टेटमेंट है? ये विधि द्वारा मान्यता प्राप्त एवं संरक्षित हित है, सामंड बता दिया, ठीक। और विधि द्वारा संरक्षित हित किसका है? ये होगा इहरिंग का होगा, विधि द्वारा संरक्षित हित इहरिंग और मान्यता प्राप्त और संरक्षित हित सामंड। नेक्स्ट, एकमात्र अधिकार जो मनुष्य का हो सकता है वह सदैव अपने कर्तव्य को करने का अधिकार है, यह कथन किसका है? ड्यूगिट का कि इहरिंग का कि गियरके का कि सामंड का? सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ड्यूगिट। जस्ट अभी इस बात पर चर्चा हुई थी हम लोगों की कि ड्यूगिट के संबंध में भी यह प्रश्न आता है और कामटे के संबंध में भी प्रश्न आता है। बताइए, निम्नलिखित में से किसने अधिकार को तुरूप का पत्ता माना है? ड्यूगिट ने कि पोलॉक ने, एलन ने कि ड्वार्किन? अधिकार को तुरूप का पत्ता किसने कहा है? ऑप्शन नंबर डी ड्वार्किन ने। नेक्स्ट, कि व्यक्ति तत्वार्थ है जिसके अधिकार और कर्तव्य लक्षण, यह स्टेटमेंट किसका है? सामंड, पैटर्न, ग्रे, हीगल? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामंड। निगमित व्यक्तित्व के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रियलिस्ट थियरी, हॉफेल्ड ने, केल्सन ने, ब्रिंज ने, गियरके ने? सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी गियरके ने। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत निगमित व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित नहीं? यथार्थवादी सिद्धांत, कल्पितार्थ सिद्धांत, हित सिद्धांत, रियायत सिद्धांत? निगमित व्यक्तित्व यानी विधिक व्यक्तित्व से संबंधित हित सिद्धांत तो नहीं होगा, क्योंकि हित और इच्छा सिद्धांत तो विधिक अधिकार से संबंधित है। निगम है एक प्राकृतिक व्यक्ति, विधिक व्यक्ति, उपर्युक्त दोनों कि कोई नहीं?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विधिक व्यक्ति। यह विचार कि कतिपय कर्तव्य निरपेक्ष है निम्नलिखित के द्वारा समर्थित है, सामंड, हाफेल्ड, ऑस्टिन के उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑस्टिन कुछ कर्तव्य जो है निरपेक्ष। नेक्स्ट कि ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्तव्य निरपेक्ष कर्तव्य नहीं। चार प्रकार के निरपेक्ष कर्तव्य बताए थे इन्होंने, तो कौन सा एक निरपेक्ष कर्तव्य नहीं है। स्वयं के प्रति कर्तव्य, एक व्यक्ति के प्रति कर्तव्य, ईश्वर के प्रति कर्तव्य और संप्रभु के प्रति कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी एक व्यक्ति के प्रति कर्तव्य, ये उनके नहीं, क्योंकि स्वयं के प्रति कर्तव्य, ईश्वर के प्रति कर्तव्य, संप्रभु के प्रति कर्तव्य और ऐसे लोगों के प्रति जो मानव प्राणी है ना। चार प्रकार के निरपेक्ष कर्तव्य। नमस्ते लाडली, तुरुप का पत्ता जो बताया था एलन ने बताया था शायद, कि द्वारकिन ने बताया था, द्वारकिन ने सब बताया था। अब देखना पड़ेगा पीछे चल के तुरुप का पत्ता वाला प्रश्न, अब तो बड़ा पीछे होगा बेटा, एक बार आप पीछे जाके देख लीजिए। द्वारकिंग होंगे मुझे लगता है। ये देखिए अगला प्रश्न, एकल निगम के संबंध में, प्रत्यय के संबंध में यह कथन कि जीवित व्यक्ति आता जाता है परंतु विधि की यह कृति सर्वदा एक ही रहती, ये किसका स्टेटमेंट है। डायसी का कि सामंड का कि हालैंड का कि ऑस्टिन का। जीवित व्यक्ति आता जाता है लेकिन विधि की यह कृति हमेशा ऐसी ही रहती है, एक ही रहती। हाँ, द्वारकिन ने दिया था। ये बताइए निगमित व्यक्तित्व का अवगुंठन घूंघट को उठाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था मैरी बनाम ग्रीन में, सोलोमन बनाम सोलोमन में, इन री कोहेन में, कि एनकोना बनाम रोजर्स में। इससे पहले वाला आंसर नहीं बताए थे ना, या इसका आंसर हो जाएगा सोलोमन बना सोलोमन, और इसका आंसर जो था गलती से छूट गया था ना, ये सामंड का स्टेटमेंट, सामंड का था। ये हो गया सोलोमन बना निगमित व्यक्तित्व का। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कल्पना सिद्धांत निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस एक से संबंधित है। विधिक व्यक्तित्व से कि स्वामित्व से कि दायित्व से कि न्याय से। ये कल्पना सिद्धांत जो होगा वो विधिक व्यक्तित्व से। चार प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा हुई थी तो वो विधिक व्यक्तित्व से। ये बताइए विधि शास्त्र में कोष्ठक सिद्धांत जिस विषय से संबंधित है वह है मूल कर्तव्य, विनिश्चय आधार, विधिक व्यक्तित्व की कब्जा। जीवा, लाडली, अखिलेश, चित्रा, तो ब्रैकेट सिद्धांत भी तो विधिक व्यक्तित्व से ही है। विधिक व्यक्तित्व से ही है ब्रैकेट सिद्धांत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सेविनी द्वारा विधिक व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया गया था।
कौन सा है? यथार्थवादी सिद्धांत कि काल्पनिक सिद्धांत कि कोष्ठक सिद्धांत कि उद्देश्य सिद्धांत? सेवनी अपनी मस्त मौला लाइफ थी, कल्पनाओं में ही रहते थे, काल्पनिक सिद्धांत इनका है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्वामित्व का गलत वर्गीकरण है? मूर्त और अमूर्त स्वामित्व का कि न्यास और लाभप्रद स्वामित्व का कि सीधा और मध्यस्थ स्वामित्व का कि पूर्ण एवं सीमित स्वामित्व? स्वामित्व का गलत वर्गीकरण, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीधा एवं मध्यस्थ स्वामित्व। यह है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वामित्व में पदार्थ के भौतिक नियंत्रण की शक्ति होती है किंतु उपभोग की नहीं। स्वामित्व में पदार्थ के भौतिक नियंत्रण एवं उपभोग दोनों की शक्ति होती है। सी है स्वामित्व में इच्छा अनुसार प्रबंध की शक्ति होती है। डी है स्वामित्व में दूसरों को विरत रखकर कब्जा रखने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही नहीं है तो इसका मतलब है उपभोग की शक्ति नहीं होती, यही ऑप्शन जो होगा सही नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वामित्व की परिधि में नहीं आता? कब्जे का अधिकार, कब्जे से हटने का अधिकार, उपयोग एवं उपभोग का अधिकार, नष्ट करने का अधिकार। स्वामित्व की परिधि में नहीं आता, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कब्जे से हटने का अधिकार। कब्जे का अधिकार, उपयोग का अधिकार, नष्ट करने का, सब स्वामित्व के अंतर्गत आता है। कौन सा कथन सही नहीं? स्वामित्व में पदार्थ के भौतिक नियंत्रण की शक्ति होती है किंतु नेक्स्ट स्वामित्व के संदर्भ में सर हेनरी मेन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? चिरभोगज, अभाव का सिद्धांत, सामुदायिक दायित्व का सिद्धांत की नियंत्रण का सिद्धांत? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक दायित्व का सिद्धांत। स्वामित्व के संदर्भ में यह आपका अगला प्रश्न, निम्नांकित में से यह किसने कहा था कि स्वामित्व एक निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, बयान की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित है? सामंड, मार्कबाई, ऑस्टिन की हिबर्ट? यह है ऑस्टिन का। स्वामित्व किसी वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, बयान की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित होता है। कौन सा सिद्धांत संपत्ति की संकल्पना से जुड़ा नहीं है? नैसर्गिक विधि सिद्धांत, श्रम सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कि यथार्थवादी सिद्धांत? संपत्ति की संकल्पना से जुड़ा हुआ नहीं, बिल्कुल ये यथार्थवादी सिद्धांत है, रियलिस्टिक थियरी, विधिक व्यक्तित्व से है ना, संपत्ति की संकल्पना से तो है नहीं। अभिकर्ता या सेवक के माध्यम से कब्जा उदाहरण है?
व्यवहित अव्यवहित कब्जा का, कि अमूर्त कब्जा का, कि अव्यवहित और व्यवहित कब्जा का, कि मूर्त कब्जा का, एजेंट के माध्यम से कब्जा, एजेंट के माध्यम से कब्जा, अव्यवहित अमूर्त व्यवहित मूर्त, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी व्यवहित कब्जा। निम्नांकित में से किसने कब्जे की दो संकल्पनाएं अर्थात तथ्यतः कब्जा और विधितः कब्जा को अस्वीकार कर दिया और सत्यतः और तथ्यतः कब्जा की संकल्पना को स्वीकार किया था? सामंड ने, पोलॉक ने, होम्स ने कि इयरिंग ने? तथ्यतः कब्जा और विधितः कब्जा को छोड़ के सत्यतः और तथ्यतः कब्जा को स्वीकार, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सामंड। निम्नलिखित में से कौन सा कब्जा का सही वर्गीकरण नहीं? ऑप्शन ए तथ्यतः कब्जा या विधितः कब्जा, बी है तात्कालिक कब्जा और मध्यवर्ती कब्जा, मूर्त कब्जा और अमूर्त कब्जा, प्रत्यक्ष कब्जा और अप्रत्यक्ष कब्जा। ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्षतः कब्जा और अप्रत्यक्षतः कब्जा। ये बताइए कौन सा कथन सही है, कनिका, सिंगल, जेवा, चौधरी, लाडली, अजय, अखिलेश सही है? ऑप्शन है कि तथ्यतः कब्जा संपत्ति पर वास्तविक अधिकार प्रदान करता है। बी कहता है तथ्यतः कब्जा उस स्थिति में संभव होता है जब किसी व्यक्ति का वस्तु पर तात्कालिक प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी कहता है कि तथ्यतः कब्जा उन वस्तुओं तक विस्तारित होता है जो किसी व्यक्ति के तात्कालिक प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे हों। और ऑप्शन डी कहता है कि तथ्यतः कब्जा उस स्थिति में संभव है जब कब्जादार को कब्जे का विधिक अधिकार प्राप्त हो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तथ्यतः कब्जा उस स्थिति में संभव होता है जब वस्तु पर तात्कालिक और प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, उसे हम तथ्यतः कब्जा कहते हैं। कब्जा दो तत्वों से मिलकर बनता है, एक कब्जाधीन वस्तु यानी प्रभाव, प्रभावकारी नियंत्रण और आधिपत्य का आशय। निम्नलिखित में से किसने ऊपर वर्णित कथन कहा था, सामंड ने कि मेन ने कि सेवनी ने कि पैटर्न ने? कब्जे के लिए सिर्फ कब्जा नहीं बल्कि कब्जा रखने का आशय भी तो होना चाहिए, ये बात कही थी ऑप्शन नंबर सी सेवनी ने। निम्न में से कौन सा कब्जा अर्जित करने का तरीका नहीं है? ऑप्शन ए विधि के प्रवर्तन द्वारा, बी परिदान द्वारा, सी अर्जन द्वारा कि डी लेना। ऑप्शन नंबर सी अर्जन द्वारा। कौन कब्जा को मूर्त और अमूर्त कब्जा के रूप में विभाजित करता है? पोलॉक की, होम्स की, सामंड की, हॉलैंड? मूर्त कब्जा और अमूर्त कब्जा। अब बहुत नजदीक हैं हम लोग आज के सेशन को समाप्त करने के, बस कुछ ही प्रश्नों के दूरी पर हैं। बिल्कुल आपका सही है, मूर्त और अमूर्त कब्जा को विभाजित किया था सामंड ने। विधिक अधिकार से संबंधित निम्न में से कौन सा सिद्धांत इहरिंग ने प्रतिपादित किया था? इच्छा सिद्धांत कि रियायत सिद्धांत कि यथार्थवादी सिद्धांत कि हित सिद्धांत? इहरिंग ने ऑप्शन नंबर डी हित सिद्धांत प्रतिपादित।
एक ही जेब में धन है, यह अधिकार कैसा है? लोक लक्ष्य अधिकार है कि व्यक्तिक अधिकार है? कि लोक लक्ष्य एवं व्यक्तिक अधिकार है कि न तो लोक लक्ष्य और न ही व्यक्तिक? जेब में धन है, ये लोक लक्ष्य अधिकार है, कोई भी व्यक्ति उसकी जेब से पैसा नहीं ले सकता। ये पढ़ लीजिए अब सही उत्तर का सिंह। एक व्यक्ति बंदी अधिकार एक ऐसा हित है जो केवल निश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है। बी है, एक व्यक्ति का ऐसा हित है जो किसी निश्चित या अनिश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है। सी कहता है, एक निश्चित व्यक्ति का ऐसा हित है जो संपूर्ण विश्व के विरुद्ध उपलब्ध है। और डी है कि एक निश्चित व्यक्ति का ऐसा हित है जो किसी अनिश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसा हित है जो केवल निश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है, व्यक्तिबंधी अधिकार। संपूर्ण विश्व के विरुद्ध एक सुरक्षित हित को कहा जाता है लोक लक्ष्य अधिकार, व्यक्ति लक्ष्य अधिकार, संपत्ति में अधिकार की अमूर्त अधिकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोक लक्ष्य अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस न्यायविद ने स्वामित्व की परिभाषा इस प्रकार दी है कि स्वामित्व एक नियत वस्तु पर अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित और समय की दृष्टि से असीमित है। ऑप्शन ए ऑस्टिन, बी बेंथम, सी हॉलैंड की डी सामंड। प्रश्न रिपीटेड है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन। अधिकारों के चार विधिक सहवर्ती के रूप में विश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए रास्को पाउंड, बी रॉडिन, सी हॉफेल्ड, डी कोकाउरक। का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हॉफेल्ड, ये भी रिपीटेड है। ये पढ़ी, कथन है कि किसी वस्तु को पाने वाला उस वस्तु पर हक रखता है। कारण क्या है कि किसी वस्तु को पाने वाले व्यक्ति का हक उस वस्तु के वास्तविक स्वामी से वरिष्ठ है। इसमें सही ऑप्शन क्या है? हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। पाने वाले का हक उसके स्वामी से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। ये बताइए, इस प्रश्न का आंसर बताइए। जब मध्यवर्ती कब्जा अंतरित किया गया हो तथा तात्कालिक कब्जा अंतरिती के पास ही रहे तो कब्जे के आन्वयिक परिदान की यह रीति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूटम पजेजोरियम, ट्रेडिशियो बेब्री ब्रेबी मानु, अभिधारी बनाना और लागू मान लागा मान। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लीजिए आसान सा प्रश्न, कौन सा सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए परिकल्पना का सिद्धांत, बी रियायत का सिद्धांत, सी हित सिद्धांत और डी कोष्ठक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हित सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं। अनवधानता के कारण दिए गए एक निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निर्णय बाध्यकारी है, अवैध है, असंवैधानिक है कि बाध्यकारी नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्णय बाध्यकारी नहीं हो।
ये देखिए बढ़िया स्टेटमेंट, ये देखिए बढ़िया स्टेटमेंट है। क्या आप जानते हैं कि न्यायाधीश किस प्रकार विधि का निर्माण करते हैं? वैसे ही जैसे एक व्यक्ति अपने कुत्ते के लिए विधि का निर्माण करता है। न्यायाधीश निर्मित विधि के विषय में यह कथन किस विद्वान ने दिया था? अरस्तु ने कि बेंथम ने कि प्लेकनेट ने कि मॉन्टेस्क्यू ने? कुत्ते के लिए जैसे आप विधि का निर्माण करते हैं, वैसे ही न्यायाधीश हम लोगों के लिए विधि का निर्माण करते हैं। ये सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, जेरेमी बेंथम। ये क्या है? निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि विधान समाज के विधायी अंगों की औपचारिक अभिव्यक्ति? ऑप्शन ए डायस, बी एलन, सी ग्रे, डी ब्लैकस्टोन। ऑप्शन नंबर सी ग्रे। कीटन ने विधि के स्रोतों को किन दो शीर्षों में विभाजित किया है? आबद्धकारी और मनुन्धेय, रूढ़ी और विधायन, विधायन और न्यायिक पूर्ण दृष्टांत, रूढ़ी और साम्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आबद्धकारी और अनुधेय। सिविल और आपराधिक न्याय में दोष विभाजनीय है, अच्छे और बुरे में, दंडनीय और अदंडनीय में, लोक और प्राइवेट में, कि प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय में। का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक और प्राइवेट में। लोक और प्राइवेट में। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाँ ये पढ़िए कि रास्को पाउंड ने सामाजिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका अर्थ है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, समाज में प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलन, सी समाज राज्य की संकल्पना और कृत्य में परिवर्तन, विधि के स्रोत साधारण चेतना में। बिल्कुल, ये इंजीनियर साहब है ना, इंजीनियर साहब समाज में प्रतिस्पर्धी हितों के संतुलन की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने विद्यमान लीविंग के विद्यमान विधि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? एहरलिच, सेविनी, बेंथम, मार्क्स। ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एहरलिच, जीवित विधि, जीवित जीती जागती विधि की बात इन्हीं ने की थी। नेक्स्ट है, ये तो जान ही गए हैं आप लोग कौन है, ये तो आसान है कि हितों के संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन ए रुडोल्फ इहरिंग ने, बी रास्को पाउंड ने, सी रुडोल्फ स्टेमलर ने, डी ओलिवर वेंडल ने, होम्स ने। बिल्कुल, ये तो हो चुका है ना, हितों का संतुलन कौन करेगा? इंजीनियर करेगा। रास्को पाउंड सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, जब समता भंग कर की गई हो तब उसका पुनः स्थापन करने में न्याय का वर्णन अरस्तु ने किस प्रकार किया था? वितरणात्मक न्याय, सुधारक न्याय, सार्विक न्याय कि नैसर्गिक न्याय के रूप में? समता भंग की गई हो तो उसका पुनः स्थापन करने में न्याय का वर्णन अरस्तु ने किस प्रकार किया था? सुधारक न्याय के। ये आपका अगला प्रश्न।
कि विधि संप्रभु का समादेश है जो कर्तव्य अधिरोपित करती है और जिसको शास्त्री से बल मिलता है। ऐसी नहीं कोई मिल गया में धूप से उसको बल मिलता था, एनर्जी मिलती थी, उसी तरीके से इसको शास्त्री से बल मिलता है। यह स्टेटमेंट किसका है? सामंड का कि बेंथम का कि हॉलैंड का कि ऑस्टिन का? का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टिन। वेरी गुड बच्चों, ऑल द बेस्ट आपकी एग्जामिनेशन के लिए, ऑस्टिन का है। चलिए अगला प्रश्न ले लीजिए कि ऑस्टिन को निम्नलिखित में से किस विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक विचारधारा, बी विश्लेषणात्मक विचारधारा, यथार्थवादी, समाजशास्त्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विश्लेषणात्मक विचारधारा। सुख दुख की बात कौन करता है? खाली सुख के चक्कर में आदमी परेशान है, सुख की आशा न करे तो दुख न हो। ये किसका स्टेटमेंट है? प्रकृति ने मन को सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन कर रखा है। बेंथम, ऑस्टिन, पाउंड, हॉब्स, किसका स्टेटमेंट है ये? सही बात, ऑप्शन नंबर ए, बेंथम भाई साहब। बेंथम कहते थे कि सुख दुख इर्द गिर्द पूरी जिंदगी बीत जाती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन बेंथम के विधिक दर्शन शास्त्र के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये ऑप्शन आप खुद पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि कौन सा सही नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उन्होंने रूढ़ी को विधि का मुख्य स्रोत माना था। यह बात गलत है ना, एकदम ऐतिहासिक विचारधारा के अगेंस्ट में ये इनकी विचारधारा है, चाहे बेंथम हो, चाहे केल्सन हो, चाहे ऑस्टिन हो। कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का समष्टि व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए गियरके के प्रस्ताव और मेटलैंड ने समर्थन किया था? अनुमोदन सिद्धांत, कल्पना सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत की प्रतीकवादी सिद्धांत? गियरके और मेटलैंड ने समर्थन किया था, ये किया था यथार्थवादी रियलिस्टिक थियरी। चौधरी स्नेहा, ये देखिए आपका प्रश्न है कि विधि का कथन न्यायालय क्या अभिनिर्धारित करेगा उसकी भविष्यवाणी है, इससे अधिक कुछ नहीं। यह मुख्य आधार है किसका? ऐतिहासिक कि समाजशास्त्री कि यथार्थवादी कि नैसर्गिक विधि शाखा? का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथार्थवादी शाखा। और आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यह बात कि प्रकृति के साथ सहमत सही कारण ही वास्तविक विधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचारित की गई थी? ऑप्शन ए सामंड के द्वारा, बी ग्रोसियस के द्वारा, सी हार्ट के द्वारा कि डी सिसरो के द्वारा? ये स्टेटमेंट किसका है? यह बात की प्रकृति के साथ सहमत सही कारण ही वास्तविक विधि है, यह होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी ग्रोसियस का। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वकीलों का कार्य शब्दों से है, यह उनकी कला के लिए कच्चे माल है, किसने कहा था? ऑप्शन ए जूलियस स्टोन ने, बी बकलैंड ने, सी लॉर्ड मैकमिलन ने कि डी कार्डोजो ने? ऑप्शन नंबर ए जूलियस स्टोन। तो आज का सेशन जो होगा क्वेश्चन का यही अंत होता है। और मैं आपको बताऊं बच्चों कि अगर ये आपको पसंद आया होगा
तो मैं सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू, इसके तो कम थे, बाकी सब्जेक्ट के जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारे सब्जेक्ट पर एमसीक्यू का एक सीरीज क्या, एक मैराथन क्लास लूंगा। उसके लिए आपको बहुत मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि हम लोग एक लंबा सेशन 4-5 घंटे का भी करें तब भी आप उस पर बने रह सके। तो उस तरीके का सेशन हम लोग किया जाएगा। क्लास बेटा 2 बजे से स्टार्ट थी। मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं आपको कि जैसा कि आप लॉ से जुड़े हुए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है और जिससे आप परिचित भी होंगे कि अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है और यहां पर पीसीएसजे की प्रिपरेशन कराई जाती है, लॉ से जुड़े जितने भी एग्जाम हैं उनकी प्रिपरेशन कराई जाती है। इस प्लेटफॉर्म पर भी मैं एजुकेटर के रूप में अपनी सेवाएं देता हूं, एजुकेटर के रूप में यहां भी मैं पढ़ाता हूं और यहां पर आपको बहुत सारे बैच मिल जाएंगे नए नए, बहुत सारे एजुकेटर से ऑप्शन है आपको पढ़ने का, तो आप वो अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए एक बिहार पीसीएसजे के लिए एक नया बैच अभी 12 फरवरी से शुरू हुआ है, इसमें भी हमारी क्लास है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रारंभ बैच है, एक फाउंडेशन बैच है, समझिए 18 महीनों का, ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। रिवीजन के लिए बैच तमाम चलते रहते हैं, इसे टेस्ट सीरीज है, यहाँ तो सब कुछ है जो आपके प्रिपरेशन के लिए चाहिए। और ये प्लस का और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन का चार्ज है, आप फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने और 24 महीनों का। इसमें अगर आप एक कोड मैं लास्ट में बताऊंगा, उस कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट आपकी फीस में हो जाता है। यूपी में बेटा ज्यूरिसप्रूडेंस से आपके क्वेश्चन जो होंगे वो मान के चलिए कि 15 के आसपास होंगे, ठीक है। और यहां पर ये YouTube चैनल भी हैं, अतिरिक्त आप इस YouTube चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो लॉ के लेक्चर आपको यहां भी मिल जाएंगे। कुछ टेलीग्राम चैनल है, आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिए और इस प्रकार से आप लॉ से अपडेट रहिए। और ये है मेरा रेफरल कोड, इस कोड को ही यूज करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतनी देर तक आप लोग मेरे साथ बने रहे, ऐसे ही मेहनत करते रहिए और मेहनत करते रहिए और मेहनत तब तक करते रहिए जब तक कि आप वो न बन जाएं जो आप चाहते हैं। तो आपके बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, बाय बाय। नहीं नीरज जी, यूपी की वैकेंसी हर साल नहीं आती है, ये वैकेंसी पिछले 4 सालों से वेट हो रहा था तो 4 साल बाद आई हुई है। आगे हो सकता है कि 1 साल के गैप पर आ जाए या हो सकता है कि न भी आए, हम कुछ कर नहीं सकते, यूपी वैकेंसी के मामले में रेगुलर नहीं। थैंक यू, बाय बाय।